अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक सिंपल शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग कितने जल्दी हो सकती है। आप एक शर्ट को कितनी इजीली कट कर सकते हैं, कितना इजीली बना सकते हैं। सिंपल शर्ट में पाइपिंग वाली शर्ट ही आजकल के दौर में आ रही है। आप पाइपिंग वाली शर्ट को किस तरह इतने जल्दी तैयार कर सकते हैं, मैं कितने जल्दी तैयार करती हूँ, मैं कौन कौन से मेन पॉइंट्स देखती हूँ और क्या क्या चीज़ें यूज़ करती हूँ, जस्ट मैं आज आपको ये बताऊँगी। और ये चीज़ें आपके अंदर भी आनी चाहिए। एक मास्टर होने के लिए आपको ये चीजें नोट डाउन करनी पड़ेंगी। आप मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपको तभी पता चलेगा कि आप मास्टर बन चुके हैं, जब आप इतने जल्दी और इस तरह से शर्ट को कटिंग करेंगे और उसको स्टिचिंग करेंगे। इवन पूरा ड्रेस, आपका ट्राउजर भी है, शलवार भी है, आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम ना लें। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जो कपड़े को ही सेट करने में, उसको डबल फोल्ड करने में, उसको बार बार प्रेस करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि आपके वो सारे टाइम यहीं, आपका वो सारा टाइम यहीं पे वेस्ट हो जाता है। अब मैं आपको अगर बताऊं तो एक सिंपल शर्ट कटिंग में, सिंपल बिल्कुल, उस शर्ट कटिंग में आपके हार्डली 5 से 8 मिनट लगते हैं। आपको साइज का पता होना चाहिए, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, तो 5 से 8 मिनट इनफ होते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आपके 10 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप अभी मास्टर लेवल पर नहीं आए हैं। आप अभी टाइम ले रहे हैं, स्टिचिंग को टाइम ले रहे हैं। आपने बस कुछ चीजों को मद्देनजर रखना है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, और ये सारी चीजें जब आप में आ जाएंगी तो आप सूट को झटपट तैयार कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे अपना बताऊं तो अभी रिसेंटली बात है कि मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, मुझे अपनी सिस्टर के घर जाना था और मैंने, यकीन करें, अपना ड्रेस आधे घंटे में स्टिच करके मैं सुबह पहन कर चली गई। और ये सारी चीजें तब आती हैं कि जब आपकी स्पीड तेज होती है। अब बहुत, जैसे मैंने अक्सर लोगों को किया है, उसमें अगर मैं आपको ये बताती हूँ, यहाँ पे ये मैंने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इसमें अनबैलेंस लग रही होगी चीज़ें। अब उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस अपना सारा टाइम इस चीज़ पे वेस्ट कर लो, इसको बार बार सेट कर रहे हो, बार बार सेट कर रहे हो, बार बार इसको आगे कर रहे हो, बार बार प्रेस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती हैं। आपने झटपट सूट कैसे काटना है, कैसे शर्ट को कटिंग करनी है, कैसे स्टिच करनी है, ये मैं आपको बताऊंगी। और क्या चीज़ें मेन होती हैं जो ऑल टेलर यूज करते हैं या मैं भी यूज करती हूं, और स्टिच कैसे किया जाता है। तो चलते हैं, अब इसके बाद आपको आगे मेरी वीडियो स्पीड में मिलेगी। मैं आगे इसके बाद कुछ भी नहीं बोलूंगी, जस्ट मैंने काम करना है, लेकिन आपने फोकस बहुत करना है कि काम कैसे हो रहा है, कौन कौन से निशान लग रहे हैं, और शर्ट की कटिंग कैसे हो रही है और स्टिचिंग कैसे हो रही है। अभी जो मैं जो शर्ट में आपको कटिंग करके बताने लगी हूँ, उसका जो साइज है, उसका तीरा 15 इंच पर तैयार होगा। उसका आर्म होल है जो 8.5 है, चेस्ट जो है उसकी वो 20 इंच है, कमर 17 इंच है, और हिप भी उसके मैं 20 रख रही हूँ, घेर रखूंगी 21 इंच। ये एक स्मॉल साइज है और परफेक्ट स्मॉल साइज है, तो ये आप जरा नोट डाउन कर लें। और फिर अब मैं जस्ट शर्ट की कटिंग करूंगी इसी साइज पे। यहाँ पे ये कपड़ा मैंने फोर्थ फोल्ड में रख दिया है, इसको मैंने इस्त्री करके शर्ट की जो थी, जितना भी मुझे कपड़ा चाहिए था वो मैंने रख लिया। इसमें आपने हार्डली 3 से 4 मिनट या 5 मिनट चले आपने इस चीज़ में ले लेनी है। अब जस्ट मैं आपको कटिंग बताऊंगी, जो कि इजी वे में बताऊंगी। यहाँ पे मैंने वॉच रखी हुई है, स्टॉप वॉच, उसमें मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कितना टाइम लगता है और मैं किस तरह से काम करती हूँ। अभी वॉच को ऑन करते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। ये देखिए जी, यहाँ पे आपको टाइम नज़र आ रहा होगा, 3 मिनट और 44 सेकंड में ये
कटिंग हो चुकी है शेयर्ड, ये एक्सपर्टीज के बावजूद मैंने हर चीज़ कोई ऐसे वैसे नहीं करके काटी, हर चीज़ मैंने इसकी परफेक्ट काटी है जैसा कि एक शर्ट कटिंग होनी चाहिए, फ्रंट बैक हर चीज़ सारी तरफ इसके निशान भी हो गए, इवन स्लीव भी कट हो गई है। हार्डली 5 मिनट मैंने अगर आपको बताए थे तो आपने 5 मिनट का टारगेट रखना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाना है। अब हम आपको बताते हैं कि ये स्टिच कितने जल्दी हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे ये जो मैंने गोल सिंपल गोल गला काटा है 8x4.5 इंच का, तो इसी तरह बैक पर भी मैंने कटिंग कर ली है, फ्रंट पर भी शर्ट पर ही चिपकाया है। सिंपल शर्ट की बात हो रही है क्योंकि पाइपिंग करनी है इसमें, कटिंग में और इस्त्री करने में मुझे हार्डली 4 से 5 मिनट लगे, आपको भी इतना ही टाइम लगेगा। तो अब बस आप देखते जाएं स्टॉप वॉच को भी और काम को भी। ये देखें जी, शर्ट हो चुकी है रेडी और टाइम आप चेक कर लें कि कितनी देर में ये शर्ट रेडी हुई है। अभी मैं इसको प्रेस करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस शर्ट की सारी चीज़ें, और मैं आपको साथ साथ ये भी बताती हूँ कि आपने क्या चीज़ें जल्दी करनी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको इस्त्री कर लिया है, अब मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा गाइड करती हूँ। जैसे आपने देखा होगा मैंने जल्दी जल्दी पाइपिंग लगाई है और पाइपिंग को मैंने इस्त्री नहीं किया था। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना तो फिर आप बहुत सारे काम बगैर इस्त्री किए भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह साथ साथ मैंने साथ साथ चीज़ें डाल ली मशीन में, साथ साथ काम किया मैंने, उसको बार बार तोड़ा नहीं, बार बार उसको धागे को काटा नहीं। तो ये चीज़, ये मकसद था आपको बताने के लिए कि जिन लड़कियों को ये इश्यूज़ होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास अपने भी सूट सिलाई करने का टाइम नहीं, तो ये खास तौर पे ये उनके लिए चीज है कि आप लोग अगर पौने घंटे में एक सादा सूट आराम से स्टिच कर सकते हैं। अब इसमें मैंने पाइपिंग भी ऐड की थी, पाइपिंग ना हो तो तब भी मेरे 3-4 मिनट बच जाते, इवन मेरे पास अगर ब्लैक मशीन होती तो तब भी मेरे 3-4 मिनट बच जाते क्योंकि वो पांव से चलती है और उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है। तो बाकी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल थी, इसमें कोई डिजाइनिंग कोई कुछ भी नहीं था। तो ये था आपको बताने का मकसद कि आप भी काम कर सकते हैं और करें, मास्टर स्टिच तक पहुंचें आप अपने अंदर, मतलब तेजी लेकर आएं। अभी दे मुझे इजाजत। ओके जी, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।